हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की वीडियो है वो एक बहुत अच्छी न्यूज़ जो कनाडा से आई है उसके बारे में मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊं। कनाडा अनाउंसेस न्यू इमिग्रेशन बेनिफिट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड जॉब सीकर्स। क्योंकि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डील करते हैं, लोगों को स्टडी के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में भेजते हैं। कनाडा की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी न्यूज़ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आई है कनाडा की तरफ से, प्लस जो PR एस्पिरेंट्स हैं जो इंटरनेशनल ऑलरेडी ग्रेजुएशन वहाँ पे करके वर्क परमिट हैं, उनके लिए जो न्यूज़ आई है वो बहुत ही ओवरवेलमिंग एंड वेलकमिंग है। न्यूज़ ये है कि जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 के बीच में तकरीबन 95,000 ऐसे वर्कर्स होंगे, यानी कि इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स होंगे, जो कि पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना वर्क परमिट, जो 3 साल का या 1 साल का जिस वर्क परमिट की स्लैब में है, उनका वर्क परमिट जो है वो इस साल के एंड तक, यानी कि जनवरी से लेके दिसंबर 2022 में डिफरेंट डेट्स में अकॉर्डिंग टू देयर ओन प्रोफाइल उनका जो ये वर्क परमिट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कनाडा गवर्नमेंट ने बोला है कि दे शुड नॉट वरी, दे शुड कंटिन्यू वर्किंग यू नो इन दी सेम जॉब्स और जो काम कर रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू एक्सटेंड देयर वर्क परमिट्स फर्दर फॉर 18 मंथ्स, जो कि एक हिस्टोरिक डिसीजन है। ये उनके जो इमिग्रेशन मिनिस्टर मिस्टर शॉन ही हैज़ टेकन दिस डिसीजन। और जितने भी स्टूडेंट या ये सोच रहे थे कि अब हमें शायद प्रोविंस मूव करनी पड़ेगी या हमारा वर्क परमिट एक्सपेंड ख़त्म होने वाला है, एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर आर परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 18 महीने का उनको और एक्सटेंशन दे दिया जाएगा, और वो कह रहे हैं कि इसमें से तकरीबन 50,000 जो स्टूडेंट्स हैं उसका बेनिफिट लेंगे, यानी कि 95,000 स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स हैं उनका वर्क परमिट ख़त्म होएगा। उसमें से तकरीबन 45,000 जो होंगे वो ऑलरेडी दे हैव क्वालिफाइड फॉर देयर लॉन्ग स्टे विच इज़ परमानेंट रेजिडेंसी, एंड जो 50,000 रह गए हैं जो किसी ना किसी तरह से इसमें क्वालिफाई ना कर पाते अगर ये एक्सटेंड ना होता, तो उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा और 18 महीने के लिए, और उनको वर्क परमिट एक्सटेंड कर दिया गया है ताकि वो कंटिन्यू करें वहाँ पर जॉब अपनी और अपना जो स्टेटस है उसको मेनटेन रख पाएँ। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसके साथ ही एक न्यूज़ और आई है एक्सप्रेस एंट्री वालों के लिए, जो डायरेक्ट एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करते हैं। पहले जो इसका टाइमलाइन था वो था तकरीबन 7 महीने से लेके 20 महीने तक, इन्होंने एक टाइमलाइन दिया हुआ था कि एक्सप्रेस एंट्री को हम इतनी देर में प्रोसेस करेंगे, बट नाउ गोइंग फॉरवर्ड दे सेड दैट एक्सप्रेस एंट्री विल बी प्रोसेस्ड विद इन 6 मंथ, यानी कि 6 महीने के अंदर एक्सप्रेस एंट्री का रिजल्ट आ जाएगा। और बहुत सारी इन्होंने ऐसे मेजर्स लिए हैं जिससे कि इंटरनेशनल एजुकेशन को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत ही मोमेंटम मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगी टू स्टडी, गो एंड स्टडी इन कनाडा, एंड मेक नो मिस्टेक, कुछ भी हो कनाडा फिर भी अगर हम कंपेयर करें, देखो दो चीज़ों में मैं कंपेयर करता हूँ, एक तो जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, जो प्रोसेस कनाडा वीज़ा फाइल प्रोसेस है वो सबसे ईजी है, कोई फंड्स नहीं दिखाने हैं, कोई GTE नहीं है, कोई आपको ब्लॉक अकाउंट कोई आपको और चीज़ नहीं करनी है, प्रोसेस बहुत सिंपल है। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन अगर हम कॉलेजेस की बात करें बहुत कंपैरेटिवली लो है, और लॉन्ग स्टे का ऑप्शंस जो सबसे ईजीएस्ट है दैट इज़ इन कनाडा। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेलकम न्यूज़, दिस इज़ अ गुड न्यूज़, एंड इट विल अट्रैक्ट मैनी मोर थाउजेंड्स ऑफ मोर स्टूडेंट्स टू plan to study in Canada, and I hope this video will give you an idea. तो अभी तक अगर आपने नहीं सोचा है और आप क्वालिफाई करते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर कनाडा में अप्लाई करना है तो 6 IELTS में मिनिमम होने चाहिए, उससे नीचे अगर 5.5 हैं, चाहे ओवरऑल 7 भी हैं, 5.5 एक में हैं, तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू। हाँ, आप ऑफर लेके अपना बाकी प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, बट आप जब फाइल लगाएं तो 6 ईच मिनिमम होने चाहिए, और अगर आप PT के साथ लगा रहे हैं तो 60 PT से ऊपर होने चाहिए तभी लगाएं। तो अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हो तो दिए नंबर्स पे हम आपको हमें कॉल करके अपनी प्रोफाइल को डिस्कस कर सकते हैं, और अभी भी सितंबर इनटेक में बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन्स ओपन हैं, आप हमारे काउंसलर से बात करके अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।